अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं फिश कोफ्ता करी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और ये बहुत आसानी से भी बन जाती है। इसका एक डिफरेंट टेस्ट होता है, जैसे कि आपने चिकन की कोफ्ते या फिर आपने मटन की कोफ्ते आपको अलग डिफरेंट लगते हैं, इसी तरीके से आपको फिश कोफ्ता बहुत ही अच्छा भी लगेगा और डिफरेंट भी लगेगा। तो सबसे पहले हमने ली है फिश। फिश जो है हमने बोनलेस ली है, इसको हमने धोकर रख लिया है और धोने का जो तरीका है वो हम अपने चैनल लिस्ट में दे चुके हैं, आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। तो फिश जो है, हमसे कई लोग सवाल पूछते हैं कि बाजी कौन सी फिश ली है, तो आप अपनी मर्जी के हिसाब से कोई भी फिश ले सकते हैं। हमने जो ली है वो तलबिया फिश ली है, जिसमें कांटे कम होते हैं और ये बोनलेस बड़ी आसानी से मिल जाती है। साथ ही हमने लिया है कुछ सामान जो कि हम जो फिश कोफ्ते में डालेंगे उसका सामान हम जब भी आपको उसी वक्त दिखाएंगे, और ग्रेवी का सामान हम आपको अभी दिखा देते हैं। जिसमें हमने लिए हैं कुछ मसाले, जिसमें हमने लिए है 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून लिया है धनिया, और 1 टीस्पून लिया है हमने ग्रेवी के हिसाब से नमक, और यहाँ पर 1/2 टीस्पून लिया है गरम मसाला जो कि हमारा होममेड है। 2 टमाटर लिए हैं जिनका हम पेस्ट बना लेंगे, और 1 बड़ा प्याज लिया है हमने जिसको हम आधा काट लेंगे और आधा हम टमाटरों के साथ इसको पीस लेंगे। ये कुछ मसाला है जो कोफ्ते में जाएगा, जिसमें 2 हरी मिर्च ली है हमने, 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है और हरा धनिया हमने काफी ज्यादा लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया हम ऊपर से गार्निशिंग में डालेंगे। 2 टीस्पून लिया है हमने यहाँ पर भुना हुआ बेसन, और 1 लिया है हमने अंडा। और जो सामान हम डालेंगे मसाले, उसमें हम आपको हाथ के हाथ दिखाएंगे। और ये लिया है हमने लहसुन अदरक का पेस्ट, जिसमें हमने 1 टेबल स्पून लिया है ग्रेवी के लिए, और 1 टीस्पून लिया है हमने कोफ्तों के अंदर डालने के लिए। सबसे पहले हम एक चॉपर लेंगे और इसमें डाल देंगे हरी मिर्च और हरा धनिया, और प्याज को काट कर इसमें हम डाल देंगे। अब इसमें डाल देंगे हम फिश, 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून डालेंगे इसमें लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून डालेंगे गरम मसाला। लाल मिर्च का पाउडर की रेसिपी हमने दी हुई है कि किस तरीके से आप बहुत ही अच्छा लाल मिर्च पाउडर घर में तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, जो कि हम 1/2 टीस्पून ही डाल रहे हैं। भुना हुआ बेसन डाल देंगे इसमें हम, और इसमें डाल देंगे हम अंडा, और इन सब चीजों को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो कि 1 टीस्पून है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कीमा हमने पीस लिया है और मसाला मिला लिया है इसमें, प्याज जो आधा हमने पीस लिया है हमने टमाटर के साथ, और जो आधा हमारा प्याज कटा हुआ था उसे हमने चॉप कर लिया है, तो इसको डाल देंगे टमाटर और प्याज के मिक्सचर को इसमें डाल देंगे हम लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। अब ये जो कोफ्ते का कीमा है हमारा, इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके हम कोफ्ते बना लेंगे। कीमा अच्छी तरह से मिला लेने के बाद एक प्लेट लेंगे और इसमें हल्का सा तेल डाल के इसको ग्रीस कर लेंगे, और कोफ्ते जब हम बना के रखेंगे तो इसमें चिपकेंगे नहीं। हाथों पे आप हल्का सा तेल या पानी कुछ भी लगा लें, और जितना बड़ा आपको कोफ्तों का साइज रखना है उस हिसाब से आप इसका साइज रख लें, और कोफ्ते बना बना कर प्लेट में रखते रहें। हमने बना लिए हैं हल्का सा तेल लगाकर अपने हाथों पे, तो इनको फ्राई करते हैं। चलते हैं पैन की तरफ। पैन में हमने तेल गरम कर लिया है, ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा तेल लिया है, जो कि ज्यादा नहीं लिया है कि डीप फ्राई करने पड़े, तो इसलिए हमने तेल लेकर गरम हो गया है। अच्छी तरह से इसको डाल देंगे हम कोफ्तों को, कोफ्तों को पलटते हुए हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए इन पे कलर आने लगा है बहुत अच्छा, और हम इनको 2 दफ़ा में फ्राई करेंगे, हम 1 दफ़ा में नहीं करेंगे, क्योंकि सब एक जगह आपस में जब चिपकने लगेंगे तो ये सही नहीं फ्राई होंगे, तो इसलिए हमने आधे आधे करके उनको फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कोफ्ते हमारे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, और इसमें हमने नए कोफ्ते डाल दिए हैं, और साइड से इनको हम निकालते रहेंगे जो हमने पहले फ्राई होने के लिए डाले थे इसमें। देखिए फिश कोफ्ते हमने फ्राई कर लिए हैं, जो कि बहुत अच्छे हो गए हैं, अपने साइज से थोड़े बड़े भी हो गए हैं। तो अब हमने रख दिया है 1 वॉक, और इसमें डाल देंगे वही तेल जो इसमें हमने कोफ्ते फ्राई किए थे, और इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज, प्याज को गोल्डन फ्राई कर लेंगे हम। अब प्याज जबकि गोल्डन हो चुका है, तो इसमें डाल देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज का और टमाटर का, भून लेंगे इन सब चीजों को अच्छी तरह से। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक इसको भून लेने के बाद इसमें हम डाल देंगे मसाले, इनको
को अच्छी तरह से हम मसालों को मिला देंगे टमाटर और प्याज और लहसुन रख के पेस्ट के साथ। मसाले को 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लेने के बाद, जब तक कि मसाला तेल नहीं छोड़ देता, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से मसाला भून चुका है और ये काफ़ी हद तक तब्दील हो चुका है। तो अब इसमें डाल देंगे हम कोफ्ते जो हमने फ्राई करके रखे थे। कोफ्ते फ्राई हुए हैं तो इसलिए हम इनको बड़ी आसानी से चला सकते हैं, मसाले के साथ भून सकते हैं जिससे टूटेंगे भी नहीं। मसालों के साथ हमने कोफ्तों को अच्छी तरह से भून लिया है। अब इसमें डाल देंगे पानी, जितना कि आप इसमें ग्रेवी रखना चाहते हो उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल दें। तो हम इसमें 1 कटोरी पानी डाल रहे हैं। पानी डालने के बाद 4 से 5 मिनट के लिए इसको कर देंगे हम कवर, मीडियम लो हीट कर देंगे और इसको अच्छी तरह से पकने देंगे। ग्रेवी आपको अच्छी तरह से जब कोफ्तों में मिल जाएगी तो बहुत ही अच्छा टेस्ट इसका आने वाला है। तो इसको पका लेंगे हम 3 से 4 मिनट, उसके बाद आपको दिखाते हैं। 4 से 5 मिनट कोफ्तों की ग्रेवी के साथ पकाने के बाद देखिए हमने इसको बंद कर दिया था और थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दिया था हमने, तो हमारे फिश कोफ्ता बिल्कुल तैयार है। तो इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया और इन्हें सर्व कर लेंगे। तो देखिए तैयार है हमारा फिश कोफ्ता, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये, बहुत ही अच्छी रेसिपी है और जिन्होंने अब तक नहीं बनाई है उनके लिए तो ये एकदम न्यू रेसिपी है। तो बहुत से लोगों को हम आपको एक बात और सजेस्ट करना चाहते हैं कि बहुत से लोगों को गलतफहमी होती है कि फिश को सिर्फ सर्दियों में ही खाना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। आपको तकरीबन 15 दिन में एक बार ज़रूर खानी चाहिए फिश, नहीं तो महीने में एक बार तो ज़रूर इसको बनाएं, और गर्मी हो या सर्दी हो आपको खानी चाहिए, ये बहुत फ़ायदेमंद होती है हमारी हर चीज़ के लिए, नसों के फ़ायदे के लिए, बालों के लिए और हमारे लिए हर चीज़ में फ़ायदेमंद होती है। साथ ही कोफ्ते देख सकते हैं कितनी आसानी से ईजिली बन गए हैं और टेस्ट में तो ये इतने ज़बरदस्त होंगे इंशाल्लाह कि बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आने वाली रेसिपी है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, साथ ही हमसे जुड़े रहें, हमारी हौसला अफजाई करते रहें और हमसे अपनी बातें ज़रूर शेयर करें कि आपने हमारी रेसिपी जब बनाई तो आपको कैसी लगी। तो आपके इस फीडबैक से हमें बहुत खुशी मिलती है। तो हमसे जुड़े रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।